आज 3 अगस्त है। साल के 8वें महीने का ये तीसरा दिन इतिहास में अपनी एक खास जगह रखता है। आज के दिन देश दुनिया में कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। क्रिस्टोफर कोलंबस एक समुद्री नाविक, लुटेरा, आतंकवादी, उपनिवेशवादी, खोजी यात्री था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने 3 जहाजों के साथ पालोस छोड़ दिया था। इस यात्रा ने उसे उस जगह तक पहुंचाया जिसे अब अमेरिका के नाम से जाना जाता है। क्रिस्टोफर कोलंबस 12 अक्टूबर को बहामास पहुंचा था। कोलंबस ने स्पेन से 3 जहाजों में सेल सेट किया, नीना, पिंटा और सांता मारिया। कोलंबस ने यूरोपीय और मूल अमेरिकियों के बीच व्यापक संपर्क को बढ़ावा दिया था। कोलंबस ने 4 बार अमेरिका की यात्रा की थी। आज के दिन 3 अगस्त साल 1492 को क्रिस्टोफर कोलंबस ने अटलांटिक महासागर के पार अपनी यात्रा शुरू की थी। पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक मुख्य तौर पर यूरोप में व्याप्त महायुद्ध को कहते हैं। ये महायुद्ध यूरोप, एशिया और अफ्रीका 3 महाद्वीपों और समुद्र, धरती और आकाश में लड़ा गया। जर्मनी ने फ्रांस पर युद्ध की घोषणा की और अगले ही दिन प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ जब ब्रिटेन ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा की। 1 अगस्त साल 1914 को जर्मनी ने रूस पर युद्ध की घोषणा की, तब फ्रांस और बेल्जियम ने पूरी तरह से जुटना शुरू किया था। आज ही के दिन 3 अगस्त साल 1914 को जर्मनी ने फ्रांस पर युद्ध की घोषणा की थी और तटस्थ बेल्जियम पर हमला किया था। यूएसएस नॉटिलस SSN 571 दुनिया का पहला परमाणु संचालित पनडुब्बी था। साल 1954 को नॉटिलस अमेरिकी नौसेना में शामिल होने वाली पहली परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बी बनी थी। आज के दिन 3 अगस्त साल 1958 को परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी यूएसएस नॉटिलस उत्तरी ध्रुव के पानी के नीचे पार करने वाली पहली नौका बनी थी। साल 1958 में इसे ऑपरेशन सनशाइन के तहत पर्ल हार्बर भेजा गया था। फ्रांस से नाइजर ने अपनी आय में वृद्धि की अनुमति दी थी। 18 दिसंबर साल 1958 को आधिकारिक रूप से नाइजर गणराज्य बनाया गया था। जुलाई 1960 में फ्रांस नाइजर के पूर्ण स्वतंत्र होने पर सहमत हो गया और आज ही के दिन 3 अगस्त साल 1960 को नाइजर ने अपनी पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की थी, जिसमें हमनी डियोरी नाइजर के पहले राष्ट्रपति बने।